सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को इसमें जितने बैकग्राउंड पेन जिसको मैं यूज़ करूँगा सब लिंक आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली आप वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आप सभी पहले करना है कि इस बैकग्राउंड को ओपन करना है, उसके बाद अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से कटआउट कर रखा है, तो गाइस जिसको कटआउट करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो के लिंक दे रखे, दोनों को देख लें, जाकर आप सिंपली एडजस्ट कर सकते हो एंड कटआउट कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद मैंने आप गाइस क्या करना, आप सभी को मॉडल का ले लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप सभी इस तरीके सेट कर देना है, यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये ब्रोकन हर्ट का पीएनजी लेना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड सिंपली इसको मैं फुल स्क्रीन करूँगा एंड सिंपली यहाँ पे अपने चेस्ट के पास यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप सभी करना क्या है, आपको जाना इरेजर टूल में, पहले इसको गाइस थोड़ा सिंपली मतलब कि थोड़ा सा छोटा कर करके एंड इसको यहाँ पे लगा लेना है। एंड इसका इरेजर में जाने के बाद आप सभी को जो साइड साइड का बेस्ट पार्ट दिख रहा है जो, इसको आप सभी को इरेज कर लेना है। ओके, सो इतना कर लेने के बाद क्या करना है आप सभी को, पहले हम ब्रश की जाना मतलब कि ओपेसिटी एंड हार्डनेस को कम कर लेते हैं एंड साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ से इरेज करते हैं। तो वैसे यहाँ से मतलब कि ज़्यादा ही इरेज हो रहा है तो हम साइज़ को छोटा रखेंगे, तो हम साइज़ को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा एंड यहाँ से हम इरेज करेंगे साइड साइड से। ओके, सो सिंपली इस तरीके से आप सभी को इरेज कर लेना है एंड जहाँ जहाँ से आप सभी को दिख रहा हो वहाँ वहाँ से कर लेना है एंड थोड़ा टाइम दे के करना है ताकि यार फोटो अच्छी एडिट हो पाए। तो आप सभी को थोड़ा साइड साइड से कर लेना है अच्छे से। तो अब आगे क्या करना है, आप सभी को यहाँ से डन कर देना है एंड उसके बाद हमें इसमें गाइस वो रेड कलर कर मतलब कि रेड कलर का जो इसके रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर आए इसलिए हमें पहले इस क्लिक करना है। मैं ऐसे ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में जाने के बाद क्या करना है आप सभी को, ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप सभी को मतलब कि इस तरीके से आप सभी को एक बार प्रेस करके रखना है एंड यहाँ से आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड आप सीधा डायरेक्ट कलर से भी सिलेक्ट कर सकते थे बट कोई नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली ऐसे ब्रश में ऐसे करना है। तो पहले इसकी ब्रश की ओपेसिटी को मैं पूरा बढ़ा लेता हूँ पहले यहाँ से अंडो करके एंड ब्रश की जो ओपेसिटी है इसको मैं पूरी 100 कर देता हूँ एंड सिंपली मैं यहाँ से इस तरीके से पेंट करूँगा एंड उसका जाएंगे इसमें क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म में एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद तो गाइस ये मतलब कि थोड़ा ना मैंने लंबाई में कर दिया, तो इसको आपको लंबाई में नहीं करना है, तो आपको एकदम मतलब सर्कल टाइप का आपको वो करना है, ठीक है। तो इसके यहाँ से मैं अंडो करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से हम यहाँ से फोटो को थोड़ा सा जूम करेंगे एंड यहाँ पे हल्का सा मैं इस तरीके से मतलब कि गोला सा बनाएंगे एंड इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करना है एंड आपको इसको यहाँ पे अपने चेस्ट के पास यहाँ पे लगा देना है। ओके, सो यहाँ से भी हम डन करते हैं एंड उसके बाद गाइस इसकी ओपेसिटी मतलब कि जो उसको हमें ब्लेंडिंग मोड इसका ओवरले रखना है एंड आप देख सकते हो इसके ओवरले में गाइस थोड़ा मतलब कि ये ना मतलब कि जो हर्ट है वो थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपनी फोटो को हाइड करेंगे एंड यहाँ से हम इसको ये जो हमने अभी जो ये रेड कलर का ये बनाया है इसको हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव कर लेने के बाद यहाँ से हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। तो कैंसिल कर लेने के बाद क्या करना है आप सभी को, ऐड फोटो में जाना है, जो भी आपने सेव किया जो पीएनजी हमने बनाया अभी सेव किया उसको ले लेना है एंड फुल स्क्रीन करके फुल स्क्रीन कर लेना है एंड उसके बाद जाना ब्लेंडिंग मोड में। ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद इसको ओवरले रख देना है एंड इरेजर टूल में जाना है। इधर टूल में जाने के बाद इसको इनकरेक्ट कर देना है एंड उसके बाद जो ब्रश लेके आपको साइड साइड में पेंट करना है इस तरीके से। तो गाइस देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे इस पर इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे कपड़े के ऊपर, तो आप सभी को इस तरीके से ऐसे पेंट कर देना साइड साइड में एंड बीच में आप सभी को ध्यान देना है कि बीच में पेंट ना हो, नहीं तो फिर बेकार लगेगा, नहीं तो बीच में ना पेंट हो ज्यादा तो कुछ करना। इतना हो जाने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, आप सभी को सिंपली डन कर देना है एंड उसके बाद गाइस हम इसमें लगाएंगे अब रोज़ का पीएनजी, ठीक है। तो रोज़ का पीएनजी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप सबको डाउनलोड कर लेना। तो पहले हम यहाँ से ले लेते हैं रोज़ का पीएनजी।
सॉरी यहाँ पे, एंड इसके तरह से हम डन कर देंगे। एंड ओपेसिटी जो है गाइस उसको आपको अपने हिसाब से रखनी है, एक या दो, दो तीन चार तक, ठीक है। तो इतने कर देने के बाद आप सभी को करना है फोटो को सेव कर लेना है एंड सिंपली ऐसे बैक चलना है। एंड लाइट रूम ऐप में इसकी रीटचिंग करेंगे, तो लाइट रूम ऐप में रीटचिंग यार बहुत, मतलब कि वहाँ पे वहाँ का देखना आप सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे ही मतलब केस क्लियरिटी वहीं पर होने वाली है, क्योंकि यार इसको मैच करेंगे तो वहाँ पे वहाँ का मिस मत करना। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यार आपसे के लिए मैं ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड यहाँ पे हमारी फोटो एडिट हो, मतलब कि ऐड हो चुकी है, तो हम इस फोटो को ओपन करते हैं। ओपन कर लेने के बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ से आप सभी को ये लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें जाना है एंड कॉन्ट्रास्ट को कम करना है, ओके। सो उसके बाद हाईलाइट्स को बढ़ा देना है, शेडो को कम कर देना है एंड वाइट को बढ़ा देना है, ब्लैक को कम कर देना है, ओके। सो इसका जाना है नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, मिक्स में जाना है, ओके। सो इसका जाना आपको येलो कलर में, येलो कलर को कम कर देना है, ग्रीन कलर को ह्यू को माइनस में कर देना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है एंड ब्लू कलर में जाने के बाद सैचुरेशन को माइनस, एंड सेकंड ब्लू में जाना है, ह्यू को थोड़ा सा माइनस एंड सैचुरेशन को माइनस, ओके। सो इतना जाने के बाद आप सीख करना क्या है, ऑरेंज कलर में जाना है, सैचुरेशन को माइनस करना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, ओके। सो इतना हो जाने के बाद आप सीख करना है ऐसे डन, एंड उसके बाद जाना आप सीखो नीचे वाले टूल में, एंड ऐसे जाएंगे हम क्लियरिटी में, क्लियरिटी में जाने के बाद अगर जम जाएंगे विगनेट में, विगनेट में जाने के बाद आप सीखो ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, फिर उसके नीचे वाले टूल में जाना है, शार्पनेस को बढ़ा देना है ताकि यार हमारी फोटो मतलब एच डी क्वालिटी में हो जाए, तो उसका नोट डायरेक्शन को बढ़ा देंगे एंड कलर नोट डायरेक्शन को भी बढ़ा देंगे, ओके। सो उसके बाद गाइस हम कलर्स में दोबारा जाएंगे, ठीक है। एंड कलर्स में जाने के बाद हमें गाइस इस वाले ऑप्शन में जाना है, एंड उसके बाद हमें इसको येलो सॉरी ब्लू की तरफ लेकर आना है तीनों ऑप्शन को, तो उसको हमको ब्लू की तरफ लाएंगे तो गाइस हमारी फोटो अलग ही भी लगेगी, तो हम इसको जब ब्लू ब्लू में ले आएंगे तो आप सभी को इतना कर देने के बाद यहाँ से डन। सो गाइस हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।